अब बात ऐसे वायरस की जो मेड इन चाइना है। चीन से निकला कोरोना वायरस एक दर्जन से ज्यादा देशों का सफर करता हुआ अब भारत में भी पहुंच गया है। मुंबई में कोरोना वायरस से पीड़ित दो मरीज सामने आए हैं जो चीन से वापस लौटे थे। इसके साथ ही अब भारत में भी कोरोना वायरस का खौफ बढ़ गया है। अब तक 26 लोगों की जान ले चुका ये वायरस संक्रमित शख्स के संपर्क में आते ही जिस तेजी से दुनिया के अलग अलग देशों में ये पहुंच रहा है उससे जल्द ही एक महामारी में बदल सकता है, इस बात की संभावना बनी हुई है। किलर वायरस से दुनिया भर में मचा हाहाकार, चीन में खतरनाक कोरोना वायरस का कहर। वायरस की चपेट में चीन, थाईलैंड, ताइवान और अमेरिका, और अब भारत पर मंडरा रहा है कोरोना वायरस का संकट। चीन में फैले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। इस खतरनाक वायरस से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 800 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। यहाँ तक कि चीन में इस बेकाबू हो रहे वायरस को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में हेल्थ इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिस वजह से वुहान समेत 5 बड़े संक्रमित शहरों को सील कर दिया गया है। खास तौर पर चीन में हवाई सेवाएं, एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले हाईवे और शहरों के अंदर की सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। ये वायरस सिर्फ चीन में ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में तांडव मचा रहा है, जिनमें दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, जापान, अमेरिका और सऊदी अरब शामिल है। ये वो देश हैं जहां अब तक कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब भारत पर भी कोरोना वायरस नाम के महासंकट का डर मंडरा रहा है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित दो मामले मिले। मुंबई एयरपोर्ट पर दो मरीजों का पता लगा। दोनों पीड़ित चीन से मुंबई आए थे। वायरस के लक्षण मिलने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल ही में चीन में कई भारतीय छात्रों के फंसे होने की बात सामने आई है, जिस वजह से पिछले दिनों से कोरोना वायरस को लेकर ग्लोबल हेल्थ कमीशन से मिली चेतावनी पर भारत सरकार पहले से सतर्कता बरत रही है। कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निर्देश जारी किए। सरकार ने वायरस से बचने के लिए भारत के 7 बड़े एयरपोर्ट पर जरूरी व्यवस्थाएं की हैं। चीन से भारत आने वाले यात्रियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्ची और कोलकाता हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। चीन और संक्रमित देशों से लौटे यात्रियों की थर्मल जांच करने के आदेश दिए गए हैं। यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म भरने के निर्देश दिए गए हैं। जितने एयरपोर्ट्स में चेकिंग के लिए कहा गया है और जहां पर चाइना की प्लेन्स आ रहे हैं या लैंड कर रहे हैं या यहां से जाते हैं, तो मेन इसका क्वारंटीन जो है वो एयरपोर्ट्स पे किए जा रहे हैं। लेकिन साथ में हमने कहा है कि अगर इस टाइप के कोई फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं तो वो उसके लिए जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने कहा है कि आप लोग अलर्ट पे रहें और वहाँ अपना आइसोलेशन वार्ड बना लें इसके लिए। कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के वुहान शहर में सामने आया था। इसके बाद से ये चीन के कई शहरों में फैल गया। इस वक्त भी कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज वुहान शहर में ही है, लेकिन ये तेजी से फैल रहा है, इसलिए इससे बचने की सख्त जरूरत है। हम आपको बताते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना वायरस आम तौर पर जानवरों में पाया जाता है। ये वायरस जानवर से इंसान और उसके बाद दूसरे लोगों में आसानी से फैल सकता है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस समुद्री खाने से फैलना शुरू हुआ। कोरोना वायरस से पीड़ित शख्स को सबसे पहले बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं। बुखार के बाद सांस लेने में तकलीफ, जोड़ों में दर्द होता है, मरीज की आंखें लाल होने लगती हैं। जल्द ही मरीज के फेफड़ों में संक्रमण फैलने लगता है। अब तक इस वायरस का सबसे बड़ा हमला चीन पर हुआ है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस के मामले दुनिया भर के बाकी देशों में सामने आ रहे हैं उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ी महामारी साबित हो सकता है और इससे निपट